Academy. Today we understand what is compound interest. आज हम देखेंगे कि compound interest क्या है और हम इसे कैसे calculate कर सकते हैं. जैसे कि हमने last video में देखा था कि हम simple interest कैसे calculate करते हैं, उसे short में revise कर लेते हैं. आप detail के लिए मेरा simple interest पे video refer कर सकते हैं. Simple interest हमने क्या देखा था कि अगर suppose मेरे पास 1000 rupees है और कोई bank मुझे उसपे 3% interest pay कर रही है, तो मेरा जो क्लोजिंग अमाउंट हो जाएगा, दैट इज एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो जाएगा 1030. बट दिस इज फॉर वन ईयर. आफ्टर टू ईयर्स, आफ्टर थ्री ईयर, जितने भी सालों के बाद मुझे अगर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होता था, तो मैं अपने फॉर्मूले में हमेशा इनिशियल वैल्यू जो है, या ओपनिंग अमाउंट, या जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो हमेशा हम 1000 ही लेते थे सिंपल इंटरेस्ट में. बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इनिशियल अमाउंट पर ही अफेक्ट करता है. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा इनिशियल या ओपनिंग अमाउंट है, वो हर साल वेरी होता है. मींस वन ईयर के बाद 1000 पे 3% लग के अगर मेरा क्लोजिंग अमाउंट 1030 हो गया, तो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग से 1030 पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, न कि 1000 पर. सिंपल इंटरेस्ट में हर साल मुझे इस 1000 पर ही इंटरेस्ट मिलता था. एक बार 1030 हुआ, फिर से उस 1000 पर ही इंटरेस्ट मिलेगा. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट वन ईयर के बाद क्रिएट हो जाता है, उस पर इंटरेस्ट लगने लगता है. मींस अब मेरा सेकेंड ईयर में 1030 पर इंटरेस्ट लगने लगेगा. उसके बाद 1030 पर इंटरेस्ट लगेगा 3%, फिर उसका जो क्लोजिंग अमाउंट आएगा, जो भी उसका क्लोजिंग अमाउंट आएगा, उस अमाउंट पर थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से इंटरेस्ट लगने लगेगा. मींस आप समझ गए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो वन ईयर के बाद अमाउंट, क्लोजिंग अमाउंट होता है, उस पर इंटरेस्ट लगने लगता है. अब हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, देन और एक्सप्लेनेशन में आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हमने देखा था कि आफ्टर वन ईयर मेरा एक्यूमुलेटेड या क्लोजिंग अमाउंट क्या होता है, पी इंटू वन प्लस आई. ये हमने क्रिएट या एक्सप्लेन किया है सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो में. ए इंटू पी इंटू वन प्लस आई, यहाँ पर ए है हमारा एक्यूमुलेटेड या क्लोजिंग अमाउंट, पी है हमारा प्रिंसिपल या इनिशियल अमाउंट, वन प्लस आई है हमारा इंटरेस्ट. ओके, नाउ जब मुझे आफ्टर वन ईयर मेरा एक्यूमुलेटेड या क्लोजिंग अमाउंट चेक करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वो क्या हो जाएगा. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला तो हमारा एज इट इज रहेगा, पी इंटू वन प्लस आई. बट मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल जो है, वो पिछले साल का जो अमाउंट क्रिएट हो गया है, वो हमारा प्रिंसिपल होगा. मींस यहाँ पर पी की वैल्यू वो होगी जो ए वन की वैल्यू है. तो ए वन की वैल्यू क्या है, पी इंटू वन प्लस आई. एंड ऑलरेडी यहाँ पर एक वन प्लस आई है, दैट इज वन प्लस आई. तो ये क्या हो जाएगा, पी इंटू वन प्लस आई का स्क्वायर. सिमिलरली आफ्टर टू ईयर कंप्लीटिंग, यानी थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में मुझे क्या इंटरेस्ट उस पर मिलेगा. सिंपली पहले जो हमारा फॉर्मूला है पी इंटू वन प्लस आई, वो हम लगाएंगे. बट मैंने आपको बताया कि थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में जो हमारा प्रिंसिपल या इनिशियल अमाउंट है, वो सेकेंड ईयर की एंडिंग में जो मेरा अमाउंट क्रिएट हो गया है, वो होगा. सेकेंड ईयर की एंडिंग में मेरा अमाउंट क्या क्रिएट हो गया है, पी इंटू वन प्लस आई का स्क्वायर. और ऑलरेडी यहां पर एक वन प्लस आई है, तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर माय एक्यूमुलेटेड अमाउंट विल बी पी इनटू वन प्लस आई का क्यूब. सो ओवरऑल अगर मुझे एक फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मेरा जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है फॉर एन ईयर्स, पी इनटू वन प्लस आई टू द पावर एन. मीन जितने सालों के लिए आप पैसा बैंक में रख रहे हैं, वो नंबर ऑफ ईयर्स आपके पावर में आ जाएंगे वन प्लस आई के. इस फॉर्मूले के थ्रू हम कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं. अब एक दो एग्जांपल्स लेके और अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. नाउ वी सी वन टू एग्जांपल्स. ओके, सपोज कीजिए मैंने अपने किड को 16 ईयर की एज में 5000 rupees उसके बर्थडे पर दिए और मैंने कहा किड्स इट्स योर, ये आपके, आपको जो करना है करो. बट उसने उन पैसों को खर्च ना करके एक बैंक में रख दिया या किधर
उसने सेविंग के लिए रख दिए और 2 ईयर्स के बाद उसे वो पैसे एज अ 10,000 मिले, उसे अपनी बाइक के लिए व्हाटएवर चीज के लिए सेव किए. तो मुझे पता करना है कि व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट ही ऑफर्ड. तो मैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालूंगी, सिंपली जो हमारा फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए, वो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस i टू द पावर n. यहाँ पर प्रिंसिपल यानी इनिशियल अमाउंट मेरा क्या है 5,000. टोटल अमाउंट जो मुझे लास्ट में मिल रहा है क्लोजिंग अमाउंट या एक्यूमुलेटेड अमाउंट मेरा यहाँ पर क्या है 10,000. 1 प्लस i जो मुझे फाइंड करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है, पावर n मीन्स 2 ईयर्स. ओके, इसे यहां शिफ्ट कर देंगे 10,000 अपॉन 5,000. ओके, 1 प्लस i का स्क्वायर, या ये स्क्वायर ना लगा के मैं इसे ये दूंगी स्क्वायर रूट. जैसे आपको पता है कि इस साइड अगर स्क्वायर है तो इक्वल टू इस साइड आके वो स्क्वायर रूट हो जाता है. ये हम जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 2. अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 प्लस i. अंडर रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है 1.4142 इज इक्वल टू 1 प्लस i. सो i विल बी 1.4142 माइनस 1, मतलब 0.4142. बट इट्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट सो हम उसे परसेंटेज में फाइंड करेंगे. तो इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर हो जाएगा 41.42%. तो व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट वाज फाउंड इन दिस प्रॉब्लम इज 41.42%. आपने देखा हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके. ओके, वी टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज कीजिए कि आपको पता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 6% अलाउड है एंड देन आपने 4 ईयर्स के लिए अपने 20,000 रुपीज रखे हैं, तो आपका फाइनल अमाउंट या एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपका क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे. सिंपली हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस i टू द पावर n. प्रिंसिपल यानी इनिशियल अमाउंट है मेरा 20,000. 1 प्लस 0.06 कैसे आया 6% पर एनम, बट मैं उसे 100 से डिवाइड करके 0.06 करेंगे बिकॉज परसेंट का मतलब ही होता है डिवाइड बाय 100. ओके, नाउ इंटरेस्ट मुझे कितना मिल गया 0.06 एंड 4 ईयर्स, एंड यानी 4 ईयर्स के लिए. इसे जब हम सॉल्व करेंगे वी गॉट द आंसर 2,5249.5392. सो मेरा ए मीन्स क्लोजिंग अमाउंट या एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना हो जाएगा 25,249.539. I होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी. इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.